हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो अब मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये मेरे चार पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये भी मेरे चार पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये मेरे आठ पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये मेरे चार पीस हैं जो ढाई ढाई इंच के हैं, ये मेरे आठ पीस हैं सॉरी बारह पीस हैं जो ढाई ढाई इंच के हैं, ये मेरे चार पीस हैं, ये भी मेरे चार पीस हैं और ये भी मेरे चार पीस हैं। ये दो दो इंच के हैं फ्रेंड्स, ये भी दो दो इंच के हैं और ये दो इंच की इनकी लंबाई और तीन इंच की इसकी चौड़ाई। ये एक पीस है, ये भी दो दो इंच का है, ये मेरे चार पट्टियाँ हैं जो सात इंच की हैं और चौड़ाई इसकी दो इंच है। तो मैं इनका डिज़ाइन सेट करके बता देती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीस है और एक पीस मैंने ये ले लिया। अब इन दोनों को ऐसे ही जॉइंट करके यहाँ से स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स हम साइड साइड में सिलेंगे। तो ये मैंने लाइन लगा ली है, ये पीस हमें तैयार ढाई इंच का चाहिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हमें बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड में सिलना है, बाद में हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे पीस जोड़ लें। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि दो पीस हमारे इस चीज़ के लिए हो गए। अब ये जो पीस है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, ये भी हम ऐसे जॉइंट करेंगे, यहाँ से स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे और साइड साइड में सिलेंगे। तो हमारे ये पीस हो गए और ये पीस हो गए। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये हमारे पीस अलग हो गए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये डिजाइन हमारा थोड़ा बाद में, ये हमें बाद में यूज करना है और ये भी पट्टियाँ हमारी लास्ट में यूज होंगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया, अब हम इसका बता देते हैं। तो इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दो पीस लेंगे, आपस में यहाँ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जब ये जॉइंट हो जाएगा तब हम इस वाले पीस को यहाँ से लेंगे। तो मैं ये ऐसे से होगा फ्रेंड, फिर इसको इसके ऊपर पलट देंगे। तो मैं एक पीस आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स और आपको ये सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको इस पर रखेंगे, सिलाई को सिलाई से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ हम सिलाई की सिलाई जोड़ के पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसके बाद पलट देंगे फ्रेंड्स। फिर इस पीस को भी हम ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ रखेंगे, जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे, यहाँ पिनअप करेंगे इस जगह और इस जगह और फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो ये पीस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पीस ऐसे तैयार करना है। तो हम बाकी के भी चार जो हमारे बाकी के जो पीस हैं हम उनको भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरा एक फूल तैयार हो चुका है, अब हमें तीन और तैयार करने हैं। तो ये मैं मेरे ये पीस हैं, तो मैं ऐसे ही बाकी फूल भी सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन अपना कम्प्लीट कर लिया। अब इस क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इन पट्टियों को लेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें ऐसे रखेंगे। इस तरीके से तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम सिल लेते हैं। यहाँ रखेंगे सिलेंगे और पलट देंगे। सेम फिर हमें इसको भी करना है कि यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो हम पहले एक ये पीस तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स और फिर इसके बाद इसको यहाँ रखेंगे, सिल देंगे और पलट देंगे। सेम इसको भी ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ रख के सिलेंगे और पलट देंगे। सेम यही करना है फ्रेंड्स। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ से भी सिल गया है, यहाँ से भी सिल गया है। अब हमारी सिर्फ ये पट्टी जॉइंट करनी है। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इसको इस पे पलटेंगे और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जोड़ से जोड़ जरूर मिलने चाहिए, वरना इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ से हम जोड़ मिला लेते हैं और फिर इसके बाद
यहाँ से इसको सिलेंगे। सिलने के बाद फ्रेंड्स पलटेंगे और फिर इस पीस को यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ से इसका जोड़ से जोड़ मिलाएंगे और फिर यहाँ से हम सिल देंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है बिल्कुल सफाई से। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।